हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके यस सर, ऑडिबल सर। ओके, थैंक यू। जी मित्रों, जी बड़ा हर्ष का विषय है कि आज लगभग एक वर्ष के बाद ये बुधवार के ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास प्रारंभ हो रही है। पूरा एसपीएस परिवार नेशनल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता है और ये हमारे अजस्र प्रेरणा स्रोत आदरणीय एमपी खेमका जी की प्रथम और अंतिम इच्छा सदैव से रही कि हमारा ट्रीटमेंट, हमारा ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और प्रशिक्षण भी नित्य क्रम में साप्ताहिक रूप से प्रतिदिन और ट्रीटमेंट पूरे अहर्निश और शोध इन दोनों का परिणाम है। दैट इज द स्पाइरल प्रोडक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रीटमेंट। मित्रों, आज 25 वर्ष पूरा कर चुका है एसपीएस अपने इस कार्य क्षेत्र में और मैं आभारी हूं प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश केतान सर, आप उनसे भली भांति परिचित हैं और उनकी ही प्रेरणा थी और बार बार अनुरोध था, विनम्र अनुरोध था कि मैं साप्ताहिक रूप से आपके साथ होऊंगा। आप देखिए, अभी अभी जब यहां पर एसपीएस के प्रांगण में प्रवेश किया, एक हॉस्पिटल में बहुत ही केस एडमिट किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा अपने असिस्टेंट्स को कि आप लोग अटेंड कीजिए, सारी तैयारी कीजिए, मैं एक घंटे में लेक्चर लेकर क्लास आपके साथ मिलकर वापस आता। मित्रों, जैसा कि हमारी परंपरा रही, आदरणीय खेमका जी का एक अनुदेश निर्देश था कि हम सबसे पहले ओंकार शब्द का पारायण करेंगे, फिर संस्थान की प्रार्थना। ये हम लोग सब मिलकर उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से संयोग स्थापित करते हैं। आइए ओंकार शब्द का पारण। ओ ऑडियो
इधर आ जाए। मैं डॉक्टर खेतान साहब को आमंत्रित करता हूं और अब आपके बीच में बहुत ही अपने व्यस्तम समय में से आपके साथ जोड़ना है। मैं आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं इस प्रांगण में डॉक्टर खेतान। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। We are going to discuss a very interesting topic, and the topic is more interesting after the evolution of coronavirus and its mutation of the strain, new mutated what it was that first we get in the Britain. We are today, we will study genetics, mutations, and how it happened, and what is its correlation with the acupressure? Is it possible that we can make up some genetic changes in our body? Start with our topic. It is a very interesting topic, my dear friends, seniors, colleagues, and all the interesting people. Just listen carefully each and everything. Genetic makeup and molecular feature. You have heard about the seizure, but first time we are introducing the word molecular seizure. And for gene of the human being, what is the palindromic gene? Palindromic gene वो होता है जैसे एक शब्द होता है मलयालम। आप मलयालम एक शब्द लिखिए, मलयालम को आप आगे से पढ़िए या पीछे से, डायरेक्शन में एक ही चीज पढ़ी जाएगी, वो इसी शब्द पे उत्पत्ति हुई थी पैलिंड्रोमिक जीन से। क्योंकि दो स्टैंड होते हैं, एक 3 o'clock होता है, 5 o'clock पे, तो पैलिंड्रोमिक जीन्स होते हैं। मलयालम एक शब्द होता है, अगर उसको हम आगे से पढ़ेंगे तब भी मलयालम होगा, तब भी मलयालम एक ही डायरेक्शन में हम पढ़ सकते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टुडे, व्हाट इज द मॉलिकुलर सीजर? ऐसी कौन सी कैंची है जो डीएनए को काट देती है, हमारे जेनेटिक
जरूरत नहीं पड़ती। आप में से कुछ लोग हरियाणा के भी होंगे, हरियाणा में आपने देखा होगा कि भाई अभी हमारे जैसे सिस्टर्स बोलते हैं कि मैंगो से मैंगो क्यों निकलता है, आदमी के उससे आदमी का बच्चा निकलता है, बकरी से बकरी ही निकलती है, भाई क्यों नहीं मैंगो के पेड़ से अमरूद निकलता है। अच्छा अब आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट्स में इतने ज्यादा काम हो रहे हैं जेनेटिक्स पे, प्लांट्स में जेनेटिक्स में इतने ज्यादा काम हो रहे हैं कि अब एक ही प्लांट से वो लोग कई तरह के फ्रूट उगा ले रहे हैं। और ये क्यों हुआ, ये माने जो प्लांट्स हैं, अब मैं एक चीज एक बेसिक सवाल पूछूंगा सबसे, आपके ध्यान में डालना चाहूंगा कि वेदर प्लांट्स आर मोर डेवलप्ड और ह्यूमन बीइंग और एनिमल आर मोर डेवलप्ड। अगर आप कोई पूछेगा तो हर हर आदमी बोलेंगे कि या ह्यूमन बीइंग आर मोर डेवलप्ड देन प्लांट्स, प्लांट्स आर मच मच मोर डेवलप्ड देन अस। अगर प्लांट का वजूद ना हो पृथ्वी पे तो इंसानों का वजूद भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जितने नाइट्रोजिनस मटेरियल होते हैं आपको, जैसे प्रोटीन बनती है, जिससे डीएनए बनता है, जिससे आरएनए बनता है, वो सब कहीं ना कहीं हम प्लांट से मिलता है। अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस ना करे तो खाना हम भी नहीं खा सकते। अगर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में ना कन्वर्ट करे तो इस पृथ्वी पे ऑक्सीजन का फिक्सेशन होगा ही नहीं। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कुछ बैक्टीरिया के द्वारा ही किए जाते हैं। तो प्लांट जो होते हैं दे आर मच मच मोर डेवलप्ड देन द ह्यूमन बीइंग एंड दे एग्जिस्ट विदाउट द हेल्प ऑफ अ प्लांट। तो प्लांट पे देखिए ग्रेगर मेंडल था, जैसे आपने न्यूटन का सुना भाई कि न्यूटन एक सेव गिरा और न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज कर ली, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, न्यूटन ने सेव गिरा खोज कर ली, ये तो एक स्टोरी न्यूटन के साथ जुड़ गई। न्यूटन के पहले थ्योरी दी गैलीलियो ने, फिर केपलर ने थ्योरी दी, उन सब थ्योरी का समावेश करके न्यूटन का पेपर पहले पब्लिश हो गया, इसलिए आज न्यूटन के लॉ को लॉ ऑफ ग्रेविटेशन माना जाता है। तो 1856 से 1863 तक 7 साल, आप समझिए कोई भी आदमी जिसको लोग पागल बोलते थे, मेंडल के फादर मेंडल को डॉक्टर बनाना चाहते थे, वो भी हमारी तरह बनना चाहते थे कि भाई डॉक्टर बन जाए और लोगों की सेवा करें, उनकी पिता की इच्छा थी, लेकिन वो नहीं बने, वो घर से भाग गए और जाके पादरी बन गए, पादरी बने, पादरी में भी उनको समझ में नहीं आया, फिर वो अपने घर चले आए वापस और उन्होंने एक मटर की खेती की, पी की खेती की, मटर की, देखिए क्या बेसिक कॉन्सेप्ट उठाया उन्होंने, मटर की उन्होंने खेती की और उसी खेत में 7 साल वो आदमी, आप सोच सकते हैं। आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया था, वो हवा में बॉल को ऊपर नीचे उछालता रहा, पानी में कभी नीचे डाले ऊपर डाले, तब 12 साल के बाद उसने कोई डिस्कवरी, मैं को पागल बोलते थे, घर वाले भी उसके कि बोलते थे कि ये पागल आदमी है। मेंडल ने क्या किया, देखिए फॉर्चुनेटली कहिए या उनका, वो इतने जीनियस थे कि उन्होंने मटर का प्लांट पी चुना उन्होंने, और अपने गार्डन में कई तरह के पी देखे उन्होंने, मटर के प्लांट देखे, तो मटर में उन्होंने 7 ट्रेट्स निकाले, एक मटर के प्लांट से जैसे 7 करेक्टर निकाले, जैसे आदमी के शरीर में अगर हम लें भाई तुम्हारा रंग कैसा है, तुम्हारे आँख की कॉर्निया तुम्हारी काली है या वाइट है, तुम्हारे बाल का रंग कैसा है, इस तरह 7 ट्रेट एक ही मटर से मेंडल ने लिया 1856 से 1963 तक। 7 साल वो आदमी बस वो 5 बीघे का एक खेत था मटर का, उसी में वो घूमता रहा। अब वो 7 ट्रेट उसने क्या लिए थे, उसने सबसे पहले देखा कि जो मटर का प्लांट है उसने लंबे और छोटे, टॉल एंड ड्राफ, एक ट्रेट ये लिया। दूसरा ट्रेट इसने वो लिया कि फ्लावर का कलर्स कैसा है, तीसरा ये लिया फ्लावर एक जिल्ली है कि टर्मिनल है, फिर उसने पॉड, जो मटर का पॉड होता है वो पॉड राउंडेड है कि स्ट्रिंग्ड है ना, फिर उसने उसके सीड्स लिए, सीड्स राउंडेड है रिंकल्ड है, पॉड जो है फुल है कि एम्प्टी है, इस तरह करके उसने 7 करेक्टर मटर के उठाए। और जिस आदमी को पूरी दुनिया उस समय पागल बोलती थी, उसने 3 लॉ दिए, लॉ ऑफ जेनेटिक्स के। उसके पहले भी हमारे पूर्वज करीब 8000 साल BC जो बोलते हैं हम लोग, बिफोर क्राइस्ट, ये पंजाब में सोहिवाल गाय पाई जाती थी, तो हम लोग के पूर्वज क्या करते थे कि कुछ गायों का मिश्रण करके इस गांव से गाय से 90 और 100 लीटर तक दूध ले लेते,
तो जेनेटिक्स ऐसा नहीं था, वो हमारे पूर्वज नहीं जानते थे, जानते थे, लेकिन इसकी साइंटिफिक व्याख्या मेंडल ने कैसे की, सात लिए उसने, सात करेक्टर। अच्छा, आप कोई भी रैंडमाइज ट्रायल करते हैं, अगर आपका स्टडी का ग्रुप लार्ज ग्रुप है तो उसको कोई नकार नहीं सकता। अगर आप एक ट्रेड लेकर चलते तो हो सकता है कि दुनिया उसको नकार देती कि अरे भाई ये इनचांस हो गया, इट वॉज ए इंसिडेंटल फाइंडिंग, इट वॉज ए नॉट अ साइंटिफिक फाइंडिंग। लेकिन मेंडल ने एक साथ सात करेक्टर को स्टडी किया, वो भी मटर का, कोई मानव नहीं उठाया उसने, किसी की हत्या नहीं की उसने। आप देखिए एक ही फ्लावर में क्या, फ्लावर की क्या खासियत होती है, एक ही फ्लावर में हमारे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। मेंडल क्या करता था कि प्लग करता था, मैंने स्टेमेन को तोड़ के जुड़वाता था, वो यही सब उसमें वो करा। वो तो उन्होंने तीन लॉ दिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये तीन लॉ दिया। और 1856 से 1863 तक जब मेंडल मटर की खेती में पागलों की तरह मशगूल रहा, यार देखें कि ये लंबा पौधा है, अगर इसका हम इसके जो वो है स्टेमेन को अगर हम ओवरी से छोटे वाले से कराते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन में देखें कि जितने प्लांट थे सब लंबे निकले। फिर उसने देखा सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, तो सेकंड जनरेशन में देखा कि उसने चार में से माने छह में से एक पौधा उसने लगा कि अलग निकल गया। फिर थर्ड जनरेशन, फिर फोर्थ जनरेशन, आप समझ रहे मेरी बात। फर्स्ट जनरेशन का मतलब जिसमें लंबे और ड्वार्फ दोनों के जीन्स आ गए ना, लंबे और ड्वार्फ जीन दोनों आ गए। अब इन दोनों जीन को मिला के उसने दूसरे जीन को लिया लंबे और ड्वार्फ से, फिर उसमें ये मिक्स करके तीसरा लिया, इस तरह उसने फोर प्रोजेनी की, माने F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F3 और F4 तक। मेंडल की स्टडी इतनी लार्जेस्ट स्टडी थी कि आज तक किसी वैज्ञानिक की इतनी लार्जेस्ट स्टडी नहीं है। उसने कहा कि जरूर कोई ना कोई फैक्टर्स है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है और वही हमारे जेनेटिक चेंजेस करता है, हमारे माँ बाप के करेक्टर। आपको लगता होगा कि हमारे माँ का नक्शा चेहरा, बोलते ना कि अरे तुम्हारा बोली तो पिताजी पे गई है, तुम्हारे नाक नक्शे तो पूरे पिताजी पे गए हैं, तुम्हारी आंख की बनावट माँ पे गई। तो मेंडल ने क्या बोला, मेंडल ने सबसे पहले यही बोला अपने 7 साल के अनुभव से कि एक फैक्टर है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है और वही माता और पिता के करेक्टर को कैरी करता है, उस शब्द को उसने नाम दिया फैक्टर। और वो शब्द आज भी जिंदा है दोस्तों, करीब 150 साल बाद भी उसका नाम बदल गया, जीन हो गया उसका नाम। तो यहां पे तीन शब्द आते हैं, व्हाट इज द हेरिडिटरी, व्हाट इज वेरिएशन और व्हाट इज जेनेटिक्स। सब स्लाइड पे लिखे हैं, आप लोग अप्रिशिएट कर रहे होंगे कि जेनेटिक्स क्या है, हेरिडिटरी क्या है और वेरिएशन क्या है। देखिए अगर वेरिएशन ना हो, वेरिएशन दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मदर और फादर के गैमिट मिलके एक फर्टिलाइजेशन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीन इवेंट होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि आप कोई भी प्लांट या एनिमल के किसी पार्ट से हूबहू उसी तरह का दूसरा प्लांट आप बना देते हैं। जैसे आप प्लांट में देखते होंगे कि माली आता होगा, माली कलम लगाता है, आपने देखे होंगे, इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल बडिंग, है ना। या फिर आप देखे होंगे केले का तना जिसको राइजोम बोलते हैं, केले का तना को काट के आप लगा दीजिए तो नया केला उगाता है, है ना। हम आदमी के हाथ को काट काट के अगर लगा दे तो आदमी नया हाथ उगेगा नहीं उगेगा, तो कौन ज्यादा विकसित हुआ, प्लांट या एनिमल? प्लांट बहुत विकसित हैं और प्लांट से काम भी बहुत ज्यादा हुआ। तो मेंडल ने यही ऑब्जर्व किया कि अब वेरिएशन का मतलब हुआ अगर सृष्टि में म्यूटेशन ना हो, भाई एक ही इंटेलिजेंसी के सारे, तो फिर तो सृष्टि का विकास ही ना हो, कुछ तो वेरिएशन होना चाहिए। 1857 जब चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की थ्योरी पूरे ब्रह्मांड को दी, यूनिवर्स को दी, तो वो हाथों हाथ ले ली गई। और ऑस्ट्रेलिया का वो माने एक वैज्ञानिक कहिए चार्ल्स डार्विन, पूरे माने विश्व का भ्रमण किया और भ्रमण करके उसने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दी और बोला कि ये सब म्यूटेशन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए होते हैं और नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा होते हैं। फिर चर्चा हुई कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है, म्यूटेशन क्या है। तो जब तो लैंसेट में
एक हमारा भी आर्टिकल पब्लिश हुआ, हमने भेजा, तो उस समय WHO कोरोना वायरस है COVID-19 या SARS-CoV-2, ये SARS-CoV-2 नेचुरल द्वारा आया हुआ है, ये म्यूटेशन फॉर्म नहीं है, जिसके कारण ट्रंप साहब ने उनकी आलोचना की, नहीं ये म्यूटेशन का फॉर्म है, ये नेचुरल द्वारा नहीं हुआ। मैं आगे के स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है और म्यूटेशन क्या। वेरिएशन का मतलब ही होता है कि भाई तीन या चार पांच भाई बहन हैं आप, पांचों एक ही समान नहीं है। अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते तो पांचों एक समान होते, लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे, कोई भाई छोटा भी है, कोई बड़ा भी है, कोई काला है, कोई सफेद है, कोई सांवला है, किसी की बुद्धि ज्यादा तेज है, किसी की बुद्धि कम तेज है, तो वेरिएशन सृष्टि है अगर म्यूटेशन ना हो। लेकिन म्यूटेशन भी देखिए तीन तरह के होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन होता है, फ्रेमवर्क म्यूटेशन होता है और साइलेंट म्यूटेशन होता है। 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने बम्बार्डमेंट करके पूरे दुनिया पे वाहवाही लूट ली कि हमने जापान को जीत लिया, एक छोटे से कंट्री, जैसे आजकल इनका युद्ध चल रहा है ना किम के साथ, है ना, इन्होंने लूट तो ली अमेरिका ने वाहवाही छोटे से मैंने टापू को नागासाकी हिरोशिमा को गिरा के बम। लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ, उससे जो एनर्जी निकली, उस परमाणु से जो रेडिएशन निकले, जो रेडिएशंस में गामा रेज, बीटा रेज, ये सब रेज निकली, उसने परमानेंट म्यूटेशन कर दिया जेनेटिक स्ट्रक्चर में। तो जितनी प्रोजिनी, तीन चार प्रोजिनी तक आई, वो विकलांग पैदा होती रही हो सीमा नगर से। अमेरिका ने मेंडल की थ्योरी को प्रूव किया, डिस्ट्रक्टिव वे में किया, इसने कंस्ट्रक्टिव वे में किया, दोनों में अंतर यही था, एक विनाश के रास्ते पे था, एक सकारात्मक रास्ते पे था। लेकिन उसने भी F1, F2, F3, F4 जनरेशन में ये चीज प्रूव कर दिया कि जीन में कुछ ना कुछ डिलेशन हो रहा है या एडिशन हो रहा है। बहुत उत्साहित हो गया, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि माननीय JP अग्रवाल सर सुबह 3 बजे उठते हैं, तो मेरी भी इच्छा होती है कि भाई मैं उनको अपना आदर्श पुरुष मानूं, तो मैं भी 3 बजे उठने का प्रयास करने लगा कुछ दिन। मैं न्यूरोसर्जन आदमी हूं, थका हारा रहता हूं, एक दो दिन उठा उसके बाद उठ नहीं पाया, लेकिन मन में एक आदर्श के रूप में ये रहता है कि उसी तरह बात करते करते उन्होंने एक दिन एक शब्द मुझे 15 दिन पहले बताया कि लग रहा है इसके जीन में कुछ डिलीशन हो गया। मैं सुन के एकदम अवाक कि एक सेल टैक्स का कमिश्नर, इतना बड़ा ऑफिसर, और 3 बजे भोर में पढ़ के और इतनी ज्यादा स्टडी कर आज वो इस बात को बोलने के माने वो हो रहा है कि लग रहा है जीन में डिलीशन हो गया। आप विश्वास नहीं करिए, मैं आश्चर्यचकित हो गया, चुपचाप 2 मिनट में सुनता रहा। फिर मैं कहा कि मैं सर को बारे में जितने बेसिक चीजें हैं मैं जरूर रखूंगा, हो सकता है इससे कुछ नई चीजों की उत्पत्ति हो। सर के बड़ा इनोवेटिव माइंड है भाई, जब ये ब्रेन ट्यूमर का ग्रोथ रोक सकते हैं जिसको हमारे एलोपैथ के डॉक्टर नहीं हम कर सकते, मैं क्यों जुड़ा हूं आज एक प्रेशर से। और जब ग्रेगर में मटर के खेत में घूम के एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस सेग्रीगेशन की थ्योरी दे सकता है ना, जिस थ्योरी के ऊपर पूरा आज वर्ल्ड कायम है। आप कोरोना की जो वैक्सीन निकली है वो कुछ वैक्सीन mRNA वैक्सीन है, कुछ DNA वैक्सीन है, और वैक्सीन कहां से निकली, उनके इनवेलप में कुछ प्रोटीन होते हैं, तो कोरोना में एक एस प्रोटीन होता है ना, एस प्रोटीन में 2-3 रिसेप्टर्स होते हैं, जो H2 रिसेप्टर्स होता है उसके अगेंस्ट में वैक्सीन निकाली गई, तो उत्पत्ति तो वहीं से हुई ना। तो मैं जितने भी प्रबुद्ध एक्यूप्रेशर के छात्र या किसी अन्य विधा के छात्र मेरे इस लेक्चर को सुन रहे हैं, मेरा एक आशय आप सबसे है कि आप सबको इनोवेटिव होना चाहिए, आप सबको खोजी प्रवृत्ति का होना चाहिए, और आप सबको इस समाज को, इस देश को, और देश के ऊपर भी इस मैनकाइंड को, इस ह्यूमनगत को, जैसे न्यूटन ने, ग्रेगर मेंडल ने, JP अग्रवाल सर ने, माता प्रसाद खेमका सर ने दिया, वैसे ही आप इनके अनुयायी हैं, आप इनके शिष्य हैं, आपको इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि अब इनकी थ्योरी कैसे ट्यूमर अगर खत्म हो रहा है ना, तो कोई ऐसा नहीं कि वो चमत्कार कर दे रहे हैं भगवान जी की तरफ, कुछ मैग्नेट लगाते हैं, मैग्नेट केमिकल चेंजेज करता है, कुछ जो केमिकल्स होते हैं ट्यूमर में, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स होते हैं उनको खत्म करता है, वो किस तरह वो खत्म होता है, अब हमें इस चीज को प्रूव करने की जरूरत है। Therefore, we have taken a topic of genetics, variations,
and what is the heredity. It is a very important topic in context of development and further growth of acupressure in our whole world, initiated by the two great scientists. I will say the two great scientists, late Mata Prasad Khemka and the most legend Dr. J.P. Agarwal sir. मैं न्यूरो जानता हूं कि ब्रेन स्टेम का ट्यूमर ऑपरेट नहीं कर सकते हम, हमारी व्यवस्था होती है 8-10 घंटे की सर्जरी करने के बाद भी 90% पेशेंट ओटी टेबल पे मर जाते हैं, चाहे वो एम्स की ओटी हो चाहे जहां भी हो। लेकिन सर के सामने साक्षात मैं 1912 से देख रहा हूं, जहां पे सारी ग्लॉसोफेरिंजियल वेगस स्पाइनल एक्सेसरी हाइपोग्लेसर सारी क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व, और जिसको हमारा मेडिकल साइंस ये मान चुका था कि ये एक या दो का मेहमान है, आज 2021 तक वो आदमी नॉर्मल है। मैं सर का अंधा भक्त हूं, अंधा भक्त क्यों हूं, 14 साल न्यूरो सर्जरी की पढ़ाई करने के बाद भी मुझे आश्चर्य होता है मैं अगर सर की थ्योरी को इस जगत में प्रूव नहीं कर पाया, और जेनेटिक्स के माध्यम से हम कर पाए, और आप वर्ल्ड के हो सकता है कई कंट्री के छात्र, the lot of students from whole country be connected with our nexus of forum. Our network on our forum of acupressure. Sorry, I was speaking in Hindi. Let us start with speaking in English. 400 people. Some of the people are from south. Some of from other part of the country. They are. We have to prove the theory of Dr. J.P. Agarwal sir, late Mata Prasad, how it came true, how brain tumor of brain stem medical society, we have a greatest federation in whole world. If I and I will be right, but you all have contribution in development of our acupressure. It should not be a major source of earning. You should have the spirit of developing acupressure without taking any charges, like Dr. J.P. Agarwal sir and late Mata Prasad Khemka sir. Let us start with the genetics. I have started genetics. What is hereditary and what is variations? Genes. I have already told in after the 7-year study of the 7 traits of the pea plant in a garden of Mendel, he has developed a word, factors. Factors are a word which transfer the genetic character from one progeny. Progeny means one generation to other generation. Gene, later on, it was coined by gene. And gene was coined by Johnson. Gene, it is the hereditary determining factor and consists of continuous segment of DNA. Up now, I will discuss two things at this stage. We have two genetic material. One is DNA. DNA means deoxyribonucleic acid. Other is RNA. RNA means ribooxynucleic acid. These are only two genetic material. Jada isme aap, you used to heard about the DNA. Yes? Why? DNA is more important. But from where? Now people are used to listen Honorable Prime Minister Narendra Modi sir, there we have lot of leaders, but he is the dominating figure in the world. In these two genetic material, why DNA is dominating? Why not RNA? And they have started between DNA and RNA. There are lot of debates, and dono aapas mein ladne lage tezi se. DNA bole main bada hu, RNA bole main bada hu. DNA bola, how can you can be bigger than me?
तो आर्यन ने बोला कि आई एम अ फादर ऑफ डीएनए, तुम्हारी उत्पत्ति यू हैव ओरिजिनेशन फ्रॉम माई सेल्फ, आरएनए से डीएनए की उत्पत्ति हुई। तो बोले ठीक है भाई, मैं मान गया तुमसे मेरी उत्पत्ति हुई, आई एम अ सन ऑफ आरएनए, ओके डीएनए। अब देखिए अगला जवाब, दोनों लड़ रहे थे तो क्या हुआ। फिर डीएनए ने बोला कि ठीक है मेरी उत्पत्ति तुमसे हुई, लेकिन आज मेरी महत्ता इतनी क्यों है, वाई आई एम मोर इम्पोर्टेंट, वाई आई हैव गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन यू। आरएनए बोला बताओ क्यों। वो बोला कि क्योंकि ग्रैफिथ ने एक थ्योरी दी थी, हम आपको आगे बताएंगे ग्रैफिथ ने क्या थ्योरी दी थी। ग्रैफिथ ने एक थ्योरी दी थी, उसमें बोला कि डीएनए स्टेबल है और आरएनए उतना स्टेबल नहीं है, ये हीट लेबाइल होता है और आरएनए एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। बोला ठीक है भाई। तो फिर डीएनए ने बोला आरएनए से, यार ये बताओ तुम इतने देर से, आरएनए बोला कि तुम इतने देर से, तुमको शर्म नहीं आती, तुम अपने एंसिस्टर्स को, पूर्वज को जिससे तुम्हारा जन्म हुआ उसको तुम इतनी शिक्षा दे रहे हो कि मैं बड़ा हूं डीएनए, मैं ज्यादा स्टेबल हूं। भाई अल्टीमेट एम क्या होता है डीएनए आरएनए का, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है ना। देयर सेंट्रल डॉग्मा बोलते हैं, देयर इज अ सेंट्रल डॉग्मा, पहले डीएनए से डीएनए बनता है जिसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। ये सेंट्रल डॉग्मा की थ्योरी 1963 में क्रिक ने दी थी, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा। 1963 में क्रिक ने क्या बोला कि डीएनए से पहले डीएनए बनता है, फिर इस डीएनए से आरएनए बनता है। तो इस डीएनए से जो डीएनए बनता है उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, फिर जो आरएनए बना उसको हम बोले ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए से जो प्रोटीन बना उसको हम बोले ट्रांसलेशन। आरएनए बोला यार डीएनए तुम बहुत हमें लेक्चर पढ़ा रहे हो अभी तक, है ना, अल्टीमेट तुम्हारा एम है प्रोटीन बनाना और तुम प्रोटीन बनाने के लिए हम ही को यूज करते हो। भाई तुम प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले रेप्लिकेशन करते हो ताकि तुम खुद अपनी कॉपी करो, फिर तुम ट्रांसक्रिप्शन करके मुझे बनाते हो आरएनए को, और फिर मुझे बोलते हो कि प्रोटीन बनाने के लिए। मैं डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता हूं, मुझे तुम्हारी आवश्यकता ही नहीं। मेरी बात समझ रहे आप, मैं बहुत सिंप्लीफाइड वे में इस बेसिक सेंट्रल डॉग्मा को बता रहा हूं। डीएनए और आरएनए आपस में लड़ने लगे, तो आरएनए बोला कि यार मैं डायरेक्ट प्रोटीन बना रहा हूं, मुझे जरूरत ही नहीं रेप्लिकेशन प्रोसेस की, ट्रांसक्रिप्शन की, मैं जेनेटिक कोड को खुद प्रभावित करके प्रोटीन बना रहा हूं। तो बोले हाँ यार ये तो तुम सही बोल रहे हो। फिर बात होने लगी कि डीएनए बड़ा कि आरएनए बड़ा। तो फिर वैज्ञानिकों ने चार क्राइटेरिया निकाले कि कोई भी मटेरियल अगर जेनेटिक मटेरियल है तो उसके चार क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। पहला, वो अपना रेप्लिकेशन खुद कर सके। उसी समय ना जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये भी हुआ कि प्रोटीन भी क्या जेनेटिक मटेरियल है, जब खोज में हुई तो ये हुआ कि भाई डीएनए आरएनए के अलावा तीसरे जो शख्स पे बातचीत हुई, द थर्ड फैक्टर वाज प्रोटीन, तो प्रोटीन डिस्कार्ड हो गया क्योंकि प्रोटीन का रेप्लिकेशन नहीं होता था। तो डीएनए आरएनए दोनों रेप्लिकेट करते हैं, दोनों करीब करीब थर्मोस्टेबल हैं, दोनों में कुछ मेंडेलियन करेक्टर दोनों में होने चाहिए और दोनों एक दूसरे की कॉपी कर सकते हैं। तो ये चारों करेक्टर दोनों में थे, लेकिन डीएनए इज मोर स्टेबल बिकॉज इन डीएनए देयर इज अ थायमिन इन प्लेस ऑफ यूरेसिल, एंड थायमिन इज मोर हीट स्टेबल, एंड डीएनए हैज अ हाइड्रोक्सी ग्रुप एट 5 o'clock पोजिशन, देयरफॉर इट इज मोर स्टेबल। अंततः एट लास्ट नाउ वी आर कंसिडरिंग दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इन स्पाइट ऑफ दैट, है ना, इन स्पाइट ऑफ दैट हम लोग वायरस के कहर से पूरा ब्रह्मांड आज भयभीत रहा, तो इन स्पाइट ऑफ दैट ये क्या है, आरएनए वायरस है। जो कोरोना वायरस क्या है, ये आरएनए वायरस है, इसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। आपने सुना होगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा ये फिर डीएनए बनाता है और डीएनए के द्वारा फिर ये जाके ह्यूमन बॉडी के डीएनए पे कब्जा कर लेता है। आप कभी सोच सकते हैं मित्रों, आज आप 400-500 लोग मुझे सुन रहे हैं, जो होल पीपुल 400 to 500 पीपुल आर लिसनिंग अस फ्रॉम द फैमिली ऑफ एक्यूप्रेशन इन इलाहाबाद, द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ एक्यूप्रेशन इन इंडिया। वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू गिव यू फर्स्ट टाइप ऑफ लेक्चर एंड लिसन इट केयरफुली। इन द व्यू ऑफ कोरोना पैंडेमिक इट इज मोर प्रासंगिक, इट इज मोर इविडेंट टू लिसन एंड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज मैकेनिज्म।
जो आपको वायरस होता है ये कोरोना वायरस, जब इसके बेस सीक्वेंस बेस पेयर की बात हुई तो इसके बेस पेयर में 29,931 बेस पेयर करके इसका जीनोम खोज लिया गया। हम ये 13 दिसंबर को वुहान में पहला केस हुआ 1919 में 13 सितंबर, और चाइना के वैज्ञानिकों ने 11 जनवरी 2020 को इसका जेनेटिक सीक्वेंस खोज लिया, और जेनेटिक सीक्वेंस में उसने बोला कि इसमें 29,000 के आसपास बेस पेयर्स हैं, और जैसे बेस पेयर मिला तो सारे लोग उम्मीद हो गई कि अब हम इसकी दवा भी निकाल सकते हैं और अब हम इसका वी कैन डेवलप। कैन यू इमेजिन वी हैव अ ह्यूमन जेनेटिक प्रोजेक्ट, ह्यूमन जेनेटिक प्रोजेक्ट। Have you ever listened about the Human Genetic Project? HGP. It is a project initiated by America. And it is the mega project. इससे रक्षा के ऊपर होता ना कि डिफेंस पर आपने इतना पैसा लगाया, डिफेंस के ज्यादा भी इसके ऊपर अमेरिका ने ज्यादा पैसा लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन का जीनोम होता है उसमें करीब 3 बिलियन न्यूक्लियर बेस पेयर्स होते हैं, 3 बिलियन। आज तक आपने सुना होगा कि अनिल अंबानी और ये मुकेश अंबानी बिलियन है, ये है वो है ना, 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं। बेस पेयर भी क्या होता है मैं बताऊंगा। कोरोना वायरस में कितने थे? सिर्फ 29,000। अब अमेरिका ने जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे ये रिसर्च करना चालू किया और कंट्री की हेल्प से कि हम एक एक बेस पेयर में हम देखें कि कौन से बेस पेयर में डिफेक्ट। फिर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि करीब 20,000 से 25,000 ह्यूमन में जीन्स होते हैं। हम हर अलग अलग जीन्स की व्याख्या करेंगे। तो जैसे हम बोलते हैं ना, सर एक दिन बोल रहे थे कि एलोपैथ में तो कुछ देयर आर सम डिजीजेज इन द एलोपैथ इन विच वी आर फेल टू ट्रीट द पेशेंट एंड वी जस्ट, हम लोग जनरल अयूब की तरह हथियार डाल देते हैं, जैसे 1962 में पाकिस्तान ने डाल दिए थे, भैया हम नहीं लड़ पाएंगे शास्त्री जी आपके आगे 1962। उसी तरह एलोपैथ हथियार डाल देता है, नहीं भाई ये नहीं कर पाए। सर बोले कि ये बताइए, डॉक्टर जेपी अग्रवाल सर ने, ही हैज आस्क्ड अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियोपैथिक, व्हाट इज द मीनिंग, यू हैव डेवलप अ सच बिगर साइंस इन एलोपैथ, यू हैव लॉट ऑफ लिटरेचर बुक्स, बट व्हाट इज दिस, इसका इसकी ये 29,000 जिसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये। देखिए सर, देखिए कितनी आश्चर्य की बात है। और सर देखिए, सर ने बेस पेयर भी बता दिया 29,956। मैं पता नहीं भगवान, मैंने आई थिंक द गॉड हैज केम इन फ्रंट ऑफ सर। ये हैंडबुक 3 के पेज नंबर 27 में है, और इसीलिए कोरोना वायरस का जो ट्रीटमेंट है 012 के 5th स्पाइरल पे 2, 3, 4, 8, 5, 6 स्टोन। आप पूरे वर्ल्ड में जानते हैं कि हजारों लाखों लोगों को कोरोना पेंडेमिक, लेकिन वो ही लोग इसका लाभ ले सके जिनको इस ट्रीटमेंट का आभास था, एप्लीकेशन था जो कलर। इसलिए इसमें जो आयुर्वेद में जहां बोन मैरो है, यानी उसमें जो पूरे बॉडी में उसके धातु जो पूरे बॉडी में जेनोम्स हैं वो 29,956 है। और आप देखिए पेज नंबर 23, द इवोल्यूशन ऑफ द कॉस्मस, नॉट ओनली द कॉस्मस, ब्रह्मांड का सेगमेंट है पिंड, ऑल द लाइफ प्रोसेस, मीनिंग देयर बाय माइक्रोब्स, वर्म्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, fishes, animals, reptiles, monkey, ape, and human. Why on these fingers, second spiral? Because it was the known factor that this kind of the virus is an outcome of birds, rats, that is the two. By virtue of this classification, this is written on the page 23 of handbook 3. Now the scenario has undergone the sea change.
सर आई एम थैंकफुल व्हेन आई लिसन टू डॉक्टर खेतान रिपीटेडली आई प्रोवोक हिम टू स्पीक एंड दिस प्रोवोकेशन इज नथिंग बट द इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ सर मंच के जो सुन रहे हैं तो बीच बीच में महाशिव छोटा सा कवि भी हूं तो लोग बोले कि भाई कोरोना इंडिया में क्यों नहीं फैला तो सर बोले कि हम एक प्रेशर में करण लगा के मार दिए और जब इंडिया के लोग को ये पता चला कि ये नाक और मुंह के रास्ते से प्रवेश करता है शरीर में तो उन्होंने पान पड़ा वो गुटका पान खूब तेजी से चबाना चालू कर दिया और कोरोना को जब ये तरल पदार्थ गुलाबी तरल पदार्थ मिला उसको कंठ में तो उस गुलाबी तरल पदार्थ ने उसको कंठ के नीचे उतरने नहीं दिया वो वही मर गया। इसीलिए कोरोना का जो पैंडेमिक मोदी जी नहीं रोके वो हमारे देश की प्रबुद्ध जनता जिन्होंने गुलाबी तरल पदार्थ खा के उसको गले के नीचे उतरने नहीं दिया। मित्रों तो एक बात थी आपसे जोड़ने के लिए आप बने रहे अच्छे से। नाउ वी विल डिस्कस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। अब देखिए न्यूरॉन अगर हम पूछें तो न्यूरॉन तीन चीज से बनता है। न्यूरॉन में तीन चीज होती हैं, एक सेल बॉडी होता है। वी हैव थ्री पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स, वन इज सेल बॉडी, अदर इज डेंड्राइट्स एंड अदर इज एक्सॉन्स। सिमिलरली दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सिमिलरली न्यूक्लियोटाइड्स आर बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए। इफ वी यूज टू डिफाइन डीएनए वी डिफाइन इट की इट इज अ पॉलीमर ऑफ deoxyribonucleotides. Are you getting my point? So what is the nucleotide? I'm now coming to the base of molecular biology. I'm coming to the molecular biology, molecular seizure. What is the nucleotide? Nucleotide has similarly three structure like a neuron. Neuron has three structure, cell body, dendrite and axons. Similarly, nucleotide has three structure, nitrogenous base, sugar and phosphate group. In sugar, we have two type of the sugar, pentose sugar, either it is a ribose sugar or deoxyribose sugar, by which the name of the DNA or RNA comes. Then came to nitrogenous base, that is the most significant thing in the study of molecular chemistry of the DNA. Sir, please listen. Nitrogenous base are two types, they are purines and pyridines. Purines are again two types, the adenine and thymine. And pyridines are cut, C-U-T cut. They are cytosine, uracil, and purines are A-G. And ये जो pyridines होते हैं ये cut होते हैं, C-U-T इसका formula cut होता है, जिसमें cytosine, uracil और thymine. Okay? Purines सब में same होते हैं. अब आप देखिए purines और pyridines सारा माने सारी पूरी दुनिया का फोकस अब इन्हीं प्यूरिन और पिरिडिमिन्स पे है। तो मैंने बताया कि डीएनए में का बेसिक यूनिट जैसे किडनी की बेसिक यूनिट नेफ्रॉन होती है, नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट न्यूरॉन होती है, उसी तरह डीएनए और आरएनए की बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड होती है। ये न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से बनता है, इट इज मेड बाय थ्री थिंग्स, वन इज नाइट्रोजनस बेस, अदर इज राइबोज सुगर इन द फॉर्म ऑफ आइदर राइबोज सुगर और डीऑक्सीराइबोज सुगर एंड अदर इज फॉस्फेट ग्रुप। Nucleus base is again divided into two parts. It is a purines and pyridines. Purines, there are two types of the purines. They are adenine and guanine. And there are three types of the pyridines, which we call cytosine, uracil, and thymine. Cytosine starts with the C. It common in the both. C is a common. It is common in the DNA and RNA both. Now, you have three separate units. You have nitrogenous base. You have sugar and phosphate group. These should be linked. Nitrogenous base linked with the sugar with the help of a bond called N-glycosidase, and the two molecule we called is nucleoside. This nucleoside get united with the phosphosterase linkage. And form nucleotides. And there are polymer of nucleotides which makes DNA or RNA. Next slide, just see. Just you are, you can appreciate what I am able to say. Before visualizing the diagram,
in your screen, in front of your screen. I am just saying, he in 1857, Watson and Crick produced a model called double helix model of DNA. It was the most popular model. DNA is a acidic acid. It was a scientist who discovered that the nucleus has a component, it has a material which is acidic in nature and it has negatively charged. Later on, Watson and Crick produced a model called double helix model. In double helix model, what he has told five wonderful things. One thing, it is a double helix. माने ये दो हेलिक्स जैसे लैडर होता है ना लैडर लैडर में दो दो होते हैं इट इज अ डबल हेलिक्स एंड बैकबोन इज मेड बाय फॉस्फेट एंड सुगर एंड जो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो अंदर की तरह झांकते हैं ये देखिए इंट्रूड्स तो दीज आर दी यू जस्ट सी बैकबोन्स मतलब रिबन लाइक स्ट्रक्चर इज मेड बाय द रिबन लाइक स्ट्रक्चर इज मेड बाय सुगर एंड फॉस्फेट एंड दीज टू बार्स Bars are made by purines and pyrimidines. First thing he has told. Second thing, he has told that purines are common in everyone, but pyrimidines in DNA, what happened? Adenine get united with the thymine. There are a lot of senior people and junior people and junior students also. In a class, there are lots of students are there. And fortunately, medical doctors are there. During our MBBS time, in classroom, there are a lot of students, there are a lot of girls, boys there. And we used to make some pairs in the classroom. Teen char pair ban jate the, na? Aur nahi bante the. To isi tarah base pair bane kiska? Base pair bana adenine ka thymine se. Matlab Tusar. एक कक्षा में लड़की लड़का था उसको पसंद आई आरती तुषार लाइक्स आरती आर यू गेटिंग माय पॉइंट तुषार लाइक्स आरती एंड देयर इज अ बॉन्डिंग बिटवीन देम एंड इट मेक्स अ बेस पेयर साइमल्टेनियसली ये डीएनए में होता है डीएनए में एडिनिन जाके जुड़ता है थायमिन से है ना जबकि यूरेसिल उसकी प्लेस होता है जबकि हम दूसरे में जो प्यूरिन जुड़ता है प्यूरिन दो ही होते हैं एडिनिन और ग्वानिन होते हैं ग्वानिन में जो गौरी थी क्लास में उसकी मित्रता हुई चंदन से तो एक दो पेयर बने उस क्लास में एक बेस पेयर बना आरती का तुषार के साथ और दूसरा बेस पेयर बना गौरी का चंदन के साथ तो गौरी का मतलब ग्वानिन और चंदन का मतलब साइटोसिन तो ग्वानिन चंदन का जो माने पेयर बना वो उतना मजबूत पेयर नहीं था कुछ दिन बाद जाके टूट गया लेकिन आरती का जो पेयर बना वो जाके बाद में शादी में कन्वर्ट हो गया क्यों क्योंकि वो पेयर तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा था और चंदन का जो गौरी से माने पेयर बना वो सिर्फ दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा था तो तीसरी थ्योरी में वाटसन एंड क्रिक ने यह बोला कि प्यूरिन और पिरिमिडिन्स में एडिनिन ऑलवेज कंबाइंड विद द थायमिन एंड ग्वानिन ऑलवेज कंबाइंड विद द साइटोसिन with the help of two hydrogen bond and it combined with the help of three hydrogen bonds jo maine tusar aur karke ek simple byakhya ki jo aap yaad rakh sake fir iska ek right helix ke roop mein inhone bola ki ek maine right handed turn hota hai hai na bolte honge aap anti clockwise clockwise right handed left handed to ye right handed fashion mein hote hain aur ek turn mein 10 base pair hote hain तो इस तरह देखिए आप डीएनए का स्ट्रक्चर अगर आप आपने सामने करिए तो एक टर्न में 10 बेस पेयर हैं और एक बेस पेयर में देखिए समथिंग इज येलो सम इज ग्रीन मींस एडिनिन ग्वानिन एडिनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन ये आपस में कंबाइन करके इनको जोड़ते हैं तो कितना मजेदार चीज है भाई इतना वैज्ञानिक ने ही हैज माने व्हाई ही हैज प्रोड्यूस्ड ही वाज एबल टू प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ अ थ्योरी विद द एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक In that era, in 1948, X-ray diffraction technique was evolved and invented by some of the scientists. And with the help of X-ray diffraction study, they have produced this model of double helix model, and it came true later on. तो ये double helix model बना उसने, जिसमें उन्होंने बोला कि purine pyrimidines के साथ मन के base pair बनाता है. Next slide.
Is it looking interesting? No, very interesting. Okay. Origin of the colors and the structure. Just I will show you in the book. Our treatment is very much effective. What you have seen? What you? Am I audible, Mr. Singh from Surat? Please, co-host. You are audible, sir. Thank you. Ji. Mr. Singh, what we understand in the study in the morning, that the neuron, the structure of neuron, along with the glial cells, having the support cells in the central nervous system and the peripheral. But now, what we have seen in the genes, the different colors, and that is 210. That is with your plus ultra-red and white and black. These are the 10. And you can see what the structure has been shown in this diagram. All these strips of these colors. That's why the 10 origin colors, which is the part of the Ayurvedic acupressure color therapy part 1 and 2. This is crystal clear from the narrative in the books. You can see it, sir. This is the 10th. And having this, this is all putting the colors, and most, it is the DNA level treatment. Definitely, sir. I am fully agree with the your word. It is a DNA level treatment. Why? It was a Newton who discovered Bibigor. One day he was introduced in a dark room, and there was a small hole in his room, and a sunlight was coming from that hole. And what he observed 7 colors in the sunlight. We called it Bibigor, violet, indigo, Bibigor, blue. And इस तरह करके बिबगोर के उसने 7 कलर बताए और सर कितनी साइंटिफिक उसकी व्याख्या कर रहे हैं मैं इस पे आऊंगा कि कैसे अल्ट्रावायलेट रेड से जो अल्ट्रावायलेट रेड भी 3 तरह की होती हैं ए बी और सी जो सी रेज होती हैं जो हमारे ओजोन के लेयर में छेद हो गया है और छेद होने की वजह से अल्ट्रावायलेट सी रेज के कारण कई माने म्यूटेशन हो जाते हैं जेनेटिक विकार हो जाते हैं और कैंसर हो जाते हैं तो सर बोल रहे हैं कि हम अल्ट्रावायलेट रेज के लेवल पे डीएनए लेवल पे हम अपनी थ्योरी को प्रूव करना है साइमल्टेनियसली मैं भी उसी बात को बोल रहा हूं कि जब हम कोरोना वायरस की एक माने लैंसेट में मैं एक पेपर पब्लिश कर रहा था तो उस समय मैं स्टडी में एक स्टडी थी हांगकांग की हांगकांग में 1959 में जब ये हुआ था आपको इन्फ्लुएंजा का वायरस हुआ था और सार्स 1 हुआ था ये कोविड सार्स 2 है जब सार्स 1 हुआ था हांगकांग में तो सार्स 1 में लोगों ने यह देखा कि अल्ट्रा कोई आदमी अगर धूप में बहुत देर तक रह जाए तो ये वायरस मर जाता है ये इनएक्टिव हो जाता है तो ये देखा गया कि अल्ट्रावायलेट रेज ए बी सी का क्या सिग्निफिकेंस है और फिर कलर का क्या सिग्निफिकेंस है मैं उतने डिटेल में मुझे उतना नॉलेज भी नहीं है कि मैं उस चीज को कोरिलेट कर पाऊं जितना नॉलेज मैंने एक प्रोसेस से कोरिलेट किया नाउ इट इज अप टू यू कि इन विच वे यू आर टेकिंग माई लेक्चर एंड इन विच वे यू आर डेवलपिंग योर सेल्फ टू इनहांसिंग द थ्योरी ऑफ एक्यूप्रेशर एंड टू एस्टेब्लिश द हार्ड वर्क एंड इट इज आई विल रादर से इट इज अबाउट टू बी इन्वेंटेड इट इज इन्वेंटेड एवरी टाइम ही इज शोइंग सम बुक्स एंड मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि इतने बड़े साइंटिस्ट के बगल में बैठा हूं मैं बेस पेयर की बात करता हूं तो एक जगह दिखा देते हैं देखिए किताब में बेस पेयर लिखा मैं कलर की बात कर रहा हूं तो दिखा देना 10 कलर तो इट इज आवर एफर्ट टू एस्टेब्लिश द थ्योरी ऑफ चेंज एट द डीएनए लेवल और जेनेटिक लेवल विद द हेल्प ऑफ एक्यूप्रेशर डेफिनेटली इट विल बी प्रूव्ड One day, and we will all get Nobel Prize. Definitely,
प्राइज इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर अ साइंटिस्ट बट डेफिनेटली इट इज अ इनोवेटिव वर्क एंड इन आर यू एप्रिशिएटिंग मी वट एवर आई एम स्पीकिंग एट द डीएनए लेवल सर इज एबल टू शो इन हिज बुक्स अगेन मैंने आपको आई हैव टोल्ड अबाउट द डीएनए नाउ डीएनए इज अ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल अब ये मैंने इट इज अ क्वेश्चन की हाउ इट इज गेट एडजस्टेड इन द न्यूक्लियस इतने बेस पेयर हैं ह्यूमन में 3 बिलियन बेस पेयर हैं तो हाउ इट इज एडजस्टेड इन अ स्मॉल न्यूक्लियस इट अ वैलिड पॉइंट डीएनए इज अ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल लेटर ऑन इट्स सिग्निफिकेंट वी गेट इन द इलेक्ट्रॉन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन विच वी गेट अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इन विच डीएनए पीस ऑफ द डीएनए गेट entrapped on anode is a positively charged part. So there is a amino acid called basic amino acid called histone with the eight molecule of histone and one molecule of DNA it make a nucleosome and with the 200 nucleosome it makes chromatin and with the bunch of chromatin in the phase of cell cycle metaphase it makes chromosome finally we make a chromosome From DNA से हमने सबसे पहले DNA से histone protein के साथ मिलकर nucleosome बनाया, then with the nucleosome we make chromatin and with the help of chromatin we make chromosomes. और chromosomes में different locale पे genes होते हैं, जो हमारे traits को traits मतलब character, character का मतलब दो character allele बोलते हैं कि एक साथ जो दो जैसे लंबा छोटा, rounded wrinkled pair characters, वो trait character को वो ले जाते हैं. तो इन दिस डायग्राम आप देखिए क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर है क्रोमोजोम में दो स्ट्रक्चर है क्रोमोजोम को देखिए बीच में सेंट्रोमियर होता है उसके आधार पर क्रोमोजोम को चार भाग में बांटते हैं पांच भाग में कि टीलोसेंट्रिक है मेटासेंट्रिक है सबसेंट्रिक है ना तो इसमें देखिए ये सबसेंट्रिक क्रोमोजोम की वेराइटी है जिसमें यू कैन इजिली अप्रिसिएट इट हैज टू आर्म पी आर्म एंड क्यू आर्म एंड देयर इज अ सेंट्रोमियर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज एलील What is allele? Also called, मैंने allele के बारे में बताया दिया कि alleles are alternating form of a gene which occupy identical loci on the homologous chromosome. दोनों क्रोमोजोम पर एक ही जगह होते हैं तो इसमें डोमिनेंट एलील होता है और रिसेसिव एलील होता है तो मेंडल ने यह पाया जो उसने मेंडल ने 7 ट्रेट लिए उसमें डोमिनेंट एलील क्या था टॉल था और रिसेसिव था छोटा पर बॉन है ना नेक्स्ट स्लाइड अब एलियंस की जब ये देखिए हमने स्टडी की देखिए डिफरेंट कलर के मैंने क्रोमोजोम्स में हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं हमारे यहाँ है ना 23 पेयर्स होते हैं 46 क्रोमोजोम्स होते हैं जिसमें 22 नॉर्मल ऑटोसोमल क्रोमोजोम्स होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं उसी को इस पिक्चर में दर्शाया गया है कि कैसे हम एलील ए एलील बी को है ना सिमिलर लोकेशन पे होते हैं देखिए अब हम अंदर वी आर गोइंग एट द मॉलिक्यूलर लेवल नेक्स्ट स्लाइड प्लीज डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स दैट आई हैव टोल्ड यू इन व्हेन मेंडल सेलेक्टेड 7 ट्रेट्स ही हैज सेलेक्टेड 7 डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स साइमल्टेनियसली दिस इज द सेम वे व्हिच वी आर शोइंग ऑन द स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप है ना फिनोटाइप मींस what you are from outside aap bahar kaise dikhte hain isko hum bolte hain phenotype aur aapka genetic makeup kya hai isko bolte hain hum genotype to gene ko with the change in the genotype we can change in the phenotype and the same thing sir is doing what he is doing he is doing changing the cancerous cells of brain stem or cv junction cancer cell genotype and changing his phenotype he has changed the genotype agar change kar diya unhone us chromosome ka to phenotype swatah change ho jayega simultaneously change ho jayega next slide ab dna ke bare mein padha chuka hu I have already taken a very simplified lecture on the topic of dna what is dna dna basically it is a polymer of deoxyribonucleotides a nucleotide is the basic unit of dna nucleotide is made up of three things nitrogenous base
राइबोस सुगर, डीऑक्सीराइबोस सुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एंड बेस पेयरिंग दैट आई हैव टोल्ड, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दैट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, दे आर डबल हेलिक्स मॉडल प्रोड्यूस्ड बाय, जस्ट सी दिस, दिस इज द स्ट्रक्चर. इसका हम ट्रीटमेंट बताएंगे. Just you see, next slide please. Are you getting the slide in which the base pairing is there? Aarti is getting with the Tushar and Chandan is getting with the Gauri. Mm-hmm. Okay. The bond of the Gauri was weaker bond because two bond and it easily separated, get separated. Next slide please. Genetics is a very interesting and very upcoming branch of the human science. And nowadays we are discussing about genetic engineering. What is genetic engineering? Genetic engineering is the word given by the European Federation Society, in which they told ki in genetic engineering we are changing the chemical changes in the DNA and RNA. With the help of genetic cloning and genetic transferring, gene transfer ke dwara hum karte hain. Synthesizing protein. What is the ultimate aim of the coronavirus? Corona ne itni tabahi machayi. Ultimate aim kya tha? It was a RNA virus. It get introduced in the nasal pharyngeal mucosa with the help of ACE2 inhibitors. It get entrapped and entrapped in the DNA of the human. Once it get entrapped in the DNA of the human, the virus, which is the enemy of the human being, which is not visible with the open eye. And that enemy has controlled the DNA of the human being. This is the miracle. Aap apne aap ko 30 maar khan samajhte ho ki hum kisi ko maar sakte hain drone ke dwara. Ek adrishya prani, ek invisible virus, jisne aapki controlling, manav ke controlling nucleus pe kabza kar liya. उसके सारी मशीनरी पे कब्जा कर लिया. आप बड़े हुए कि वायरस बड़ा हुआ, बताइए. तो हम अब उसी युग में जा रहे हैं. प्रोटोजोआ में अमीबा को बोला जाता है, वी डिवाइड एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में बांटते हैं. टोटल 18 लाख स्पीसीज बताई गई हमारे पूरे ब्रह्मांड में. तो हम लोग को ये बोला गया कि एनिमल किंगडम को हमने वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में बांटा. हिप्पोक्रेट्स और अरिस्टो ने बहुत इस पे काम किया. तो सबसे पहले प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, है ना, उसके बाद एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इस तरह बढ़ता गया. फिर वर्टिब्रेट्स में जैसे सर ने भी बोला, है ना, फिर एम्फीबियंस, फिशीज, फिर रेप्टाइल्स, फिर मैमल्स, है ना, इस तरह हम लोग बढ़ते गए. तो ये प्रोटोजोआ क्या था? ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही प्राणी है जो आज अमर है, वो है अमीबा. अमीबा इज इमोर्टल. तो अमीबा बड़ा है कि हम बड़े हैं, बताइए. तो वी हैव डेवलप्ड व्हाट एवर द थिंग्स वी हैव डेवलप्ड इन द होल वर्ल्ड. वी हैव डेवलप्ड अ क्रूज मिसाइल, वी हैव डेवलप्ड अ सैटेलाइट, एवरीथिंग, बट अ वायरस गेट कंट्रोल्ड ऑन द न्यूक्लियस ऑफ कोरोना वायरस, न्यूक्लियस ऑफ द ह्यूमन बींग. Once it get control of the nucleus of the human being, what is doing? I am coming to the point. ये क्या करता है? Reverse transcriptase enzyme के द्वारा. देखिए, चार वायरस ऐसे होते हैं ह्यूमन में, इबोला वायरस, HIV वायरस और ये कोरोना वायरस. कोरोना विरिडाई फैमिली होती है इसकी. कोरोना विरिडाई फैमिली के तीन क्लासिफिकेशन होते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा ग्रुप होते हैं. एक ये फैमिली के जितने वायरस होते हैं, ये mRNA वायरस होते हैं. तो एड्स का भी जो वायरस था, रिट्रो वायरस था. रिट्रो मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा. लेकिन इतने प्रयास के बाद भी आज भी हम लोग एड्स की वैक्सीन नहीं ढूंढ पाए. इबोला की वैक्सीन ढूंढी WHO ने, लेकिन इट वाज गेट फेल्ड हो गई इबोला की वैक्सीन बाद में. लेकिन RNA की वैक्सीन बोल रहे हैं कि ये RNA वायरस की वैक्सीन बहुत कामयाब नहीं होती, लेकिन अब ये बोल रहे हैं. तो ये तो एंटीबॉडी का जब टाइटर देखा जाएगा, देन वी विल एबल टू से कि वेदर इट इज अ सक्सेसफुल वैक्सीनेशन और इट इज समथिंग एल्स. It is like failure of the Ebola virus. Just it was a failure of the Ebola virus. Amoeba appeared first primitive. Sir, so what I want to focus, जो वायरस ने क्या किया कि ह्यूमन के न्यूक्लियस पे कंट्रोल कर लिया. न्यूक्लियस पे कंट्रोल कर लिया तो उसने ट्रांसलेशन प्रोसेस को कंट्रोल कर लिया, और ट्रांसलेशन प्रोसेस को कंट्रोल करके उसने जेनेटिक कोड को अपने मन से देना शुरू कर दिया कि लो भैया, अब तुम ये प्रोटीन बनाओ, तुम मेरी मर्जी से प्रोटीन बनाओ.
तो मानव का प्रोटीन बनाने खत्म होगा, इसीलिए इतनी ज्यादा मोर्टिलिटी। तो नाउ आई एम कोडिंग पे, जेनेटिक कोडिंग क्या है? जेनेटिक कोडिंग यही होती है कि डीएनए माने आपको एक इट गिव्स अ मैसेज टू आरएनए टू फॉर्म प्रोटीन्स एंड आरएनए गिव्स अ मैसेज टू विद द फेम विद द हेल्प ऑफ थ्री देयर 20 अमाइनो एसिड्स इन जेनेटिक कोड्स देयर आर थ्री लेटर्स बेसिकली सम बेसिक एंड सम एसिडिक तो तीन के फॉर्म में जेनेटिक ये होते हैं क्या नाम है जेनेटिक कोड होता है वो जेनेटिक कोड प्रोटीन पे जाता है प्रोटीन इसको रीड करता है और फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होती है विदाउट प्रोटीन किसी भी शरीर के किसी भी कोशिका सेल्स का देयर इज कोई निर्माण नहीं हो सकता इट कैन नॉट बी मेड विदाउट द हेल्प ऑफ द प्रोटीन तो ये क्या हो रहा है कि इट गेट्स कंट्रोल ऑन द डीएनए ऑफ द ह्यूमन न्यूक्लियस वंस इट गेट कंट्रोल द होल मशीनरी कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द इनविजिबल स्मॉल एनमिन ऑफ द होमो सैपियंस सैपियंस द ग्रेटेस्ट साइंटिफिक नेम ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग एंड इट वॉज कंट्रोल्ड बाई द कोरोना वायरस नाउ सी दिस इज द डीएनए एंड दिस इज द आरएनए कोडोन्स कोडोन्स आर ये अमाइनो एसिड है जी ए जी दिस इज द अमाइनो एसिड ये हमेशा तीन के सिक्वेंस में होते हैं और 66 पेयर करते हैं जेनेटिक कोड एक बहुत बड़ा इट इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट एंड इट रिक्वायर्स 2 or 3 लेक्चर्स टू कंप्लीट इट बट इसी जेनेटिक कोड्स के द्वारा हम प्रोटीन को बनाते हैं नीचे इन लोअर पार्ट ऑफ द स्लाइड यू कैन जस्ट सी कि प्रोटीन में देखिए आपको सीरीन प्रोटीन है आर्गिनिन है हिस्टोन है इस तरह प्रोटीन बनती है तो अल्टीमेट एम है हमारा प्रोटीन बनाना नेक्स्ट स्लाइड नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द In 1963, Crick has produced a model of central dogma. Central dogma of the molecular biology is DNA gets replicated with the help of replication. Then with the help of the transcription, it forms RNA. And with the help of the translation, RNA forms protein. This is the transcription and translation. Now see, this is the very interesting thing Mr. Bisal has shown on the screen. What is the transcription and what is the translation? How the science is developed, just see. In 1963, only 1 year after the China war, the scientists observed that there is a bacteriophage. Bacteriophage means the virus affecting bacteria. Jaise coronavirus, it is a homo sapiophage. It is a virus affecting human being. इसी तरह वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं तो उन्होंने देखा 1963 में 1963 में कि बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को इसरेसिया कुलाई एक बैक्टीरिया होता है ई कुलाई के नाम से यू ऑल हर्ड ई कुलाई इज द मोस्ट प्रिवेलेंट इन्फेक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट इसको हम बोलते हैं इसरेसिया कुलाई तो व्हाट द साइंटिस्ट ऑब्जर्व्ड लाइक सर ऑनरेबल सर हैज ऑब्जर्व्ड लॉट ऑफ थिंग्स And now it's our duty, the duty of the whole forum of the ecopressor in the world to establish the theory and establish the achievements and establish the research papers, publications, the books in a scientific, in the form of this molecular biology. It's our duty. What I was saying, in this way, हाँ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में ये प्रोटीन्स बने और फिर प्रोटीन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बता रहा था मैं हाँ तो 1963 में इन 1963 डी साइंटिस्ट डेवलप डिस्कवर टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सर दिस वाज द एरा ऑफ मेजर इन्वेंशन उन्होंने देखा कि बैक्टीरियोफेज जो है उस पर दो एंजाइम्स है जो बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को माने इनहिबिट कर दे रहा है और फॉर्चुनेटली उसका नाम क्या दिया हिंद टू उसका नाम दिया पूरे वर्ल्ड के उसका नाम था हिंद टू 5 साल के बाद हिंद टू में उसने बोला एक वैज्ञानिक ने बोला कि 5 साल के बाद 1968 में कि ये हिंद टू एक हिंद टू इसमें ये होता है कि जो OH ग्रुप पे जाके जुड़ जाता है और एक होता है जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जो डीएनए के एक सेगमेंट को काट देता है तो इसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं वी कॉल्ड इट मॉलिक्यूलर सीजर
ये स्वतः काट देता है। और काटता कहां पे, देखिए बहुत साइंटिफिक चीज है, मिनिमम 6 बेस पेयर होने चाहिए, मिनिमम 6 बेस पेयर, उसके पहले और काट नहीं सकता, कितना साइंटिफिक चीज है। तो ह्यूमन के न्यूक्लियस में फिर दो तरह के एंजाइम्स पाए गए, इक्सोन्यूक्लियेजेज एंड इंडोन्यूक्लियेजेज। और फिर ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, ये आज तक 930 टाइप ऑफ द रिस्ट्रिक्शन माने ये एंजाइम्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं और 230 इसके स्ट्रेन्स हम आज तक डेवलप कर चुके हैं। तो फिर इसी में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आता है कि कहां से कैसे इसने माने मॉलिक्यूलर सीजर का क्या रोल है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बताता हूं मॉलिक्यूलर सीजर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब जीन के एक्सप्रेशन को कैसे कंट्रोल करता है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द व्यू ऑफ द कोरोना वायरस हाउ इट गेट कंट्रोल ऑन द मशीनरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट स्लाइड रेप्लिकेशन, हाउ डज इट डू द रेप्लिकेशन, दैट अ सिंपलर वे आई हैव टोल्ड यू। नाउ दिस इज द ब्यूटिफुल डायग्राम ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए मेक्स अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, जस्ट सी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये स्टैंड, इफ यू नो द बेस पेयर ऑफ दिस स्टैंड यू कैन ऑलरेडी नो द बेस पेयर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। मीन्स इन अ बेसिक, इन अ फंडामेंटल और इन द ओरिजिनल डीएनए, इफ द बेस पेयर हैज एडिनिन, इन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए द बेस पेयर विल बी थायमिन। दिस इज वी कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एंड विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन अचीव्ड। म्यूटेशन, म्यूटेशन इज अ डिलीशन और एडिशन ऑफ अ बेस पेयर। मैंने आपको क्या बोला था कि 3 बिलियन बेस पेयर है ह्यूमन में, इसीलिए हम बोलते हैं इडियोपैथिक मल्टीपल। सर एक दिन मुझे फोन कर रहे थे, जस्ट लिसन द होल वर्ल्ड और होल इंडिया, द हाउ रिच इज आवर एक्यूप्रेशर सोसाइटी एंड हाउ रिच इज द थॉट्स ऑफ आवर ग्रेट साइंटिस्ट सर। वन डे ही हैज कॉल्ड मी कि नाउ वी वॉन्ट अ लेक्चर ऑन मल्टीपल स्क्लोसिस एंड मोटर न्यूरोन डिजीज। आई गेट इंथुजियास्टिक, आई गेट, मैं उछल पड़ा, जैसे आर्किमिडीज मैंने खोज के उछल पड़ा ना, मैं वैसे उछल पड़ा, क्योंकि आज तक हमारे मल्टीपल स्क्लोसिस की कोई दवा बनी नहीं। क्यों? उसमें डिजेनरेशन हो जाता है भाई। आपने माइलिन सीथ का तो सर हमको बोलने लगे, देखिए स्वान सेल होती है, ओलिगोडेंड्रोमा होते हैं, अब वो हमको पढ़ाने लगे माइलिन सीथ के बारे में, बोले कि हम इसके द्वारा कैसे हम माइलिन सीथ का निर्माण करते हैं। फिर मैं उछल पड़ा, फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें और जो 14 साल में हम पढ़ के इतने स्टेज से कर रहे हैं, सर आज बोल रहे हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हम माने जो तार हैं नंगे तार होते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, माइलिन सीथ का डिजेनरेशन हो जाता है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो नर्व के वो होते हैं कंडक्शन, वो कंडक्शन की स्पीड कम हो जाती है, सर लीक करने लगता है। और सर बोल रहे हैं कि मैं उस लीकिंग को बढ़ा दे रहा हूँ, मैं लीकिंग को खत्म कर दे रहा हूँ, वो भी साइंटिफिक तरीके से बोल रहे हैं और एक विज्ञान के छात्र को बोल रहे हैं, तो उसका उछलना स्वाभाविक है। तो सर ने बोला कि हम नेक्स्ट लेक्चर मल्टीपल स्क्लेरोसिस और इसमें आपकी हेल्प चाहेंगे। हम बोले सर ये मेरे लिए तो मेरे दिमाग में कुछ घूमता रहता है कि भाई कैसे एक बच्चा सेरेब्रल पैल्सी का है, उसका दिमाग का सिटी स्कैन एकदम नॉर्मल रहता है, तब भी उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं होता, क्यों वो मंद बुद्धि का हो जाता है, ऐसी क्या चीज है, क्या हम कुछ खोज करें, ऐसी क्या इन्वेंट करें, ऐसा हम क्या इस माने जगत को देख जाएं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कुछ दवा निकाल लें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। This is the only point that I have already told about why I was talking about the Hiroshima and Nagasaki. There is a point mutation, there is a silent mutation, and there is one other mutation also, inherited mutation, mutation that come from the family, it's called inherited mutation. Like you have seen about the dystrophin gene, I will tell you about what it Duchenne muscle dystrophy. In Duchenne muscle dystrophy, a child's locomotion or movement of the limbs is normal till the age of 5 years, but after 5 years, he gradually develops limping and he is unable to stand from sitting posture because there is a
pseudo hypertrophy of the calf muscles. And finally, at the age of 12 or 30 years, he died due to respiratory paralysis in the form of respiratory muscles. We called inherited mutation. If you all acupressure people, with the help of lots of books written by sir, now you have a platform. You have got a big platform to establish the theory because you have lot of books. Have you ever seen? I have told about 29,000 base, he has just shown. I have told Scholar, he has just shown. I have told Rage, he has just shown. I'm not getting time with my profession. I have a different profession. Muscular dystrophy, homunculus, it can be controlled by this. And we have got the few cases, the recovery in the MS and MND. I will show you. No, sir, when we can destroy a tumor of brain stem and we can destroy a tumor of cerebrovertebral junction, then nothing is at the level of genetic level or DNA molecular level with the help of some restriction enzyme, endogenous or exogenous, I don't know, by applying colors or magnets, whatever. That we have to establish. Next slide, please. Now I'm coming with the natural selection. The word natural selection was given by Charles in Origin of Species. उसने दो चीज पे स्टेज दिया, सर्वाइवल. वो भी बोले क्या, मैं इन आर्टिकल ऑफ लैंसेट इट वाज पब्लिश्ड कोरोना वायरस कम फ्रॉम द नेचुरल सिलेक्शन व्हाई देन ही हैज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज इट केम फ्रॉम द बैक्स एंड देयर वर टू बैट्स फ्रॉम मंगोलियन बैट्स इट इज अ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम मंगोलिया दैट इज I635 some name, scientific name given to these two bats. From there, the mutation came in the coronavirus and they came from that and they have discarded the theory of natural selection. But what is natural selection? Natural selection is over the years, if something is getting changed in like China, in over the years, they were dwarf people, but in over the years, they get taller and taller. So this is the process of natural selection. It was not done in a single day. It is called natural selection and survival of fittest, the same thing. Next slide. Chromosomes, you know all about the chromosomes. That maine aapko bataya bhi ki sabse pehle DNA is a negatively charged particle. It gets interrupted with the 8 molecule of histone protein and it form nucleosome. There are 200 nucleosome form chromatin. And there are a lot of bunches of chromatin form chromosome in the metaphase of the cell cycle. Pairing. There is pairing of the genes. There are 23 pairs of the genes. Plant mein bhi dekhe, mane genetic, aap samajhe, vaigyaniko, scientist ne, plants mein genetic encoding kar rakhe. Kitne chromosomes kis plant mein hote hain. Sex chromosome. You all know the significance of sex chromosome. It is a separate topic. What is the X chromosome, Y chromosome? Or is it possible, sir, in the form of the acupressure, you can change the sex of the child also in the pregnant women with the help of acupressure, if you can do at the genetic level? Is it possible? Jaise pehle Bhagwan blessing dete the, jao ladka hoga. Hai na? So is it possible with the help of the acupressure, we can change in the Y chromosome? Yeah, we can make more stronger Y chromosome. What we have to do? We have to just make Y chromosome stronger. There's something in the DNA, genetic material in the Y chromosome. That Y chromosome is the responsible for creation of male. So it just you can make them faster. But females are, I think, more brilliant, more talented than male. The world has proved it.
This is the now it is an era of X-ray chromatography and lots of gel electrophoresis, other techniques in which we can see the genetic makeup of, or what we are saying, we can just see in the radio diagnosis, molecular biology, and other things also, in which you are seeing XX chromosome and XY. Chromosome MRT are lots of Down syndrome, 21 होती है, Edwards syndrome होता है, 18 पे होता है, है ना? Klinefelter syndrome होता है, Turner syndrome होता है, X0 हो जाता है, इस तरह के कई syndromes होते हैं. Now come to the mitochondrial chromosome. One day, when Honorable Aswani Chaubey came in our building of Chhatnag, our principal, AP Singh sir. He has started giving the lecture of mitochondrial chromosome. I was get surprised. He mitochondrial chromosome, it is a newer thing. And on in a such a wonderful way he has explained. And what is mitochondrial chromosome? Ek shabd hota hai parthenogenesis. Parthenogenesis kya hoti hai? कि हम लोगों ने देखा कि तीन जगह पार्थेनोजेनेसिस हो रही थी. हम बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेल और फीमेल गैमेट का मिलना, लेकिन तीन जगह ऐसा होता है सृष्टि में कि बिना मेल और फीमेल गैमेट के मिले ही फीमेल गैमेट से ही पूरे मानव का निर्माण हो जाता है, माने उस चीज का निर्माण हो जाता है. उसका एक उदाहरण होता है बनाना, और एक साइबेरियन बर्ड्स होती है वो होते हैं. इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, माने जेनेसिस विद द हेल्प ऑफ ओनली फीमेल गैमेट्स. अब यही चीज एपी सिंह सर ने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोजोम्स क्या होते हैं. ये न्यूक्लियस में नहीं होते, ये न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते थे पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना. एटीपी निकलता था, एटीपी को हम एनर्जी का सिक्का बोलते थे. फिर माइटोकॉन्ड्रिया में भी कई तरह के माइटोकॉन्ड्रिया से होने लगी. फिर माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोजोम आया, और माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोजोम की ये खासियत होती है कि मदर से इस बहुत अच्छा होता है. तो अगर किसी के पास न्यूक्लियस नहीं भी है, जैसे प्लास्मिड्स, बैक्टीरियोफेज, इनमें क्या होता है, अभी मैं पढ़ाऊंगा कि जैसे कैसे जीन को ट्रांसफर, प्लास्मिड्स और बैक्टीरियोफेज की मदद से, वहां पे आपके पास न्यूक्लियस इनके पास होता नहीं, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, हमारी सारी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं. तो इनके माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, लेकिन इनके क्रोमोजोम सेल्स में होता. माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोजोम्स में एक माने नया शब्द आया, और कुछ क्रोमोजोम माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और यही माने होता है कि आपको पार्थेनोजेनेसिस में इसका योगदान होता है. दी पर्सन्स मदर, बिकॉज इन अ जनरल वेन एन ईग इज फर्टिलाइज, दैट व्हाट आई हैव टोल्ड यू. नेक्स्ट स्लाइड. ट्रेट मैंने बताया कि मेंडल ने कैसे 7 ट्रेट्स लिए थे. नेक्स्ट स्लाइड. जेनेटिक डिसऑर्डर. टूडे वी ऑल आर फाइनली गैदर्ड हियर, और वी हैव डिलीवर्ड आवर लेक्चर टू डिस्कस ऑन द जेनेटिक डिसऑर्डर. नाउ इट इज अ एरा ऑफ क्लोनिंग, नाउ इट इज अ एरा ऑफ जीन ट्रांसफर. नाउ देख जीन ट्रांसफर, नाउ इट इज द एरा ऑफ जीन डिलीशन, नाउ इट इज द एरा ऑफ जीन एडिशन, इंसर्शन, डिलीशन. In Turner syndrome, there is X0. If we insert a chromosome, then all the characters will disappear. In trisomy 21, if we take out one chromosome, then all the symptoms of Down syndrome, like large tongue, small blunted face, all will disappear. Is it not a miracle? Now we are discussing on genetic engineering with the help of gene transfer, and how we can control the genetic disorder. Now see, recombinant DNA technology. It is a wonderful technique. Recombinant means a piece of DNA cut with the help of piece of DNA. एक छोटा सा piece DNA का काट लिया गया molecular scissor के द्वारा, और फिर उसी से बड़े DNA ligase enzyme के द्वारा आपको जोड़ के एक बड़ा सा DNA बना लिया गया, और फिर उसको हम जीन बना के जीन ट्रांसफर कर डिजायर्ड पीस. जस्ट सी, रिकॉम्बिनेंट मींस जस्ट द टेक्नोलॉजी इज द प्रोसेस ऑफ
रिमूविंग द डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म एंड इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू क्रोमोसोम डीएनए ऑफ द अनदर ऑर्गेनिज्म इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये हम करते हैं बैक्टीरियोफेज की मदद से और प्लास्मिड्स की मदद से। अब टूल्स, हमारे पास टूल्स क्या क्या है? टूल्स हमने आपको बताए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोलाइजेज है, डीएनए लाइगेजेज है, ये टूल्स है हमारे। और वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स मतलब जैसे फीमेल एनोफिलीज इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया है ना, क्यूलेक्स इज द वेक्टर ऑफ डिजीज, डेंगू इज द वेक्टर ऑफ, डेंगू का वेक्टर एडीज मॉस्किटो होता है। इस तरह वेक्टर्स होते हैं जो कैरियर का काम करते हैं। तो दीज आर द वेक्टर्स ऑफ द लिविंग सेल्स, लाइक वेक्टर्स में हम बताएंगे, वेक्टर्स के ऊपर अलग स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इसी में हमने बताया था कि 1963 हिंद टू के नाम से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या मॉलिक्यूलर फिजर का बुक हुआ था, और ये हमेशा एक पैलिंड्रोमिक सेगमेंट को काटता है जिसमें 6 बेस पेयर होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज द मॉलिक्यूलर फिजर या मॉलिक्यूलर स्कैल्पल। हम लोग ब्रेन में स्कैल्पल चलाते हैं ब्रेन खोलने के लिए, ट्यूमर निकालने के लिए। अब देखिए ये मॉलिक्यूलर स्कैल्पल और फिजर हमारे साइंटिस्ट सर चला रहे हैं सर, सिर्फ चेंज कर। हम लोग दिन रात परिश्रम करके मॉलिक्यूलर वो स्कैल्पल चलाते हैं, कभी कभी हम अपना भी हाथ काट लेते हैं, हमारे हाथ से भी खून निकलने लगता है। और आप मॉलिक्यूलर फिजर में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप डीएनए के लेवल पर चेंज कर दे रहे हैं। दैट इज द बिगेस्ट थिंग, अगर ये हो जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। दैट आई हैव टोल्ड यू कि क्रिएट फॉर आइसोलेशन ऑफ द फर्स्ट एंडोन्यूक्लियोलाइजेज गोज टू, दिस इज द थ्योरी। नेक्स्ट स्लाइड पे मॉलिक्यूलर सीजर बताई दिया आपको, डीएनए के सेगमेंट को काटता है। पैलिंड्रोम के बारे में मैंने बताई दिया आपको कि कम से कम 6 बेस सीक्वेंस होने चाहिए, GAATTC मिनिमम 6 वहीं पे काटता है, और विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियर एंजाइम, इसी को मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। जस्ट थी व्हाट आई हैव टोल्ड, आई हैव टोल्ड मलयालम व्हाट ही हैज रिटन, मैडम इन बोथ वे, मैडम आइदर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इट इज हर्ड, इट इज रेड इन द सेम वे, इट इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। डीएनए फॉस्फोडाइस्टरेज बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, मैंने बताया कि चंदन और तुषार, तुषार और आरती का बॉन्ड 3 बॉन्ड से बना था, मजबूत था, शादी में तब्दील हो गया, और गौरी और चंदन बेचारे नहीं शादी में तब्दील कर पाए क्योंकि बॉन्ड कम था। तो ये देखिए दो दो तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, उल्टा है समझाने। द नेमिंग ऑफ दीज एंजाइम्स फॉलो सर्टेन नेम्स, वो तो कोड दिया गया था। ब्लंट एंड स्टिकी एंड्स, अब ये ब्लंट एंड और स्टिकी एंड के आप डायग्राम देखिए। ब्लंट एंड क्या होता है कि एक 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 सेगमेंट से उसने 6 बेस पेयर काट लिया, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री छोड़ दिया, एक काट के दूसरा पे गया तो कॉम्प्लीमेंट्री खुद ब खुद बन जाता है, तो इसी को स्टिकी एंड कहते हैं, ब्लंट एंड कहते हैं, जिसे एक काट के दूसरे पे गया। इसके पहले वाली स्लाइड दिखाओ और पहले डायग्राम, नेक्स्ट नेक्स्ट, दिस इज द ब्लंट, दिस इज द ब्लंट एंड एंड स्टिकी एंड, जस्ट सी नेक्स्ट स्लाइड। और दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मैंने न्यू डीएनए आपने बनाया, मॉलिक्यूलर सीजर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हाउ ब्यूटीफुल इज। अदर एंजाइम यूज इन द क्लोनिंग, देयर आर लॉट्स ऑफ एंजाइम यूज इन द क्लोनिंग, दे ऑल आर इन यूज, एल्काइन फॉस्फेट, डीएनए लाइगेज, नेक्स्ट, दिस इज द डीएनए लाइगेज, जॉइनिंग ऑफ द बिट्स ऑफ द डीएनए दैट आई हैव टोल्ड यू, एल्काइन फॉस्फेटेज यूजफुल इन removing the phosphate group from 5 end. Next slide. Cloning vectors that I've told you. There are 2 cloning vectors, plasmids and bacteriophage. Next slide. This is how we are doing cloning vectors ke saath hum karte hain, with diagram. Origin of replication. Origin of replication jahan pe ye start hota hai. This is a DNA sequence which serves as a starting point for the replication. Wahi 6 jo humne bataye the, बेस पेयर, वही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं कुछ, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होते हैं, फिर क्लोनिंग साइट्स, व्हाट शुड बी द क्लोनिंग साइट्स, क्या होनी चाहिए और किस तरह होनी चाहिए वो होते हैं, फिर कुछ में सिंगल क्लोनिंग साइट होती है, कुछ में मल्टीपल क्लोनिंग साइट होती है, एमसीएस,
इट इज अ वेरी बिग चैप्टर, वी हैव जस्ट समराइज्ड इट. कॉम्पिटेंट होस्ट कौन से होते हैं, कौन सा होस्ट कॉम्पिटेंट होता है कि भाई हम ट्रांसफर करें जिनको रिजेक्ट ना हो जाए, वो भी देखना होता है, उसका भी सिलेक्शन करना पड़ता है. वेयर डज दिस कम फ्रॉम, कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मैंने बताया बैक्टीरिया फेज से हुआ था. बैक्टीरियोफेज की बनावट एक सेटेलाइट की तरह होती है. अब ईस्ट देखिए, ईस्ट कैसा होता है, ईस्ट पर सुना होगा आपने कि देखिए मैं बोल रहा था ना कि प्लांट बड़ा कि एनिमल बड़ा, दूध से दही बना किससे बताइए, तब फिर आप वाइन बना, शराब जो पीते हैं वो किससे बना, ईस्ट से क्या बनता है वो भी आप जानते हैं. और ईस्ट का एक बहुत सिग्निफिकेंस होने जा रहा है, जब हम प्लांट किंगडम को डिवाइड करते हैं कभी उस टॉपिक पर आएंगे. दिस इज दी होल चैप्टर इन अ सिंप्लीफाइड वे. आई हैव प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ होल एक्यूप्रेशर फैमिली ऑफ द वर्ल्ड एंड विद द हेल्प ऑफ माय आइडियल एंड हम्बल साइंटिस्ट जेपी अग्रवाल सर. इफ आई हैव डिलीवर्ड समथिंग आई विल थैंकफुल टू माई सेल्फ. थैंक यू. Most respected Dr. Chetan and my dear friends, it is a matter of great pleasure that we have heard a lot. We are going to enter in a cultural science age. This is cultural sciences. What is that? The cultural heritage of Indian origin that paved the way to repel the hazards of most fatal type of the virus 2020 or 19, COVID-19. You know, as per the norms of the time acupuncture, that was the period of elimination 2020, that is the year of 9, that is the elimination of the what is morbid, what was not liable to be stable. And this was the cultural science was more effective, and India was leading in that direction. And the scientific world was amazed and baffled that they were helpless to encounter the fatalities out of the morbidities. And this cultural science, which is the has the sustenance in the annals of the Ayurveda. Ayurveda is linked between past and future. And four Vedas, all they speak about the pre-birth and after birth. But Ayurveda is the that speaks the knowledge about the life process. What we see and feel, and that is a link between the pre-birth and the after death. What is the so it was the cultural heritage, and it was the super science and divine science. That's why this coin is to say like this, the cultural science will be the science of the future. And the Trinity, what he spoke about, that is a lot of food for thought process, and it was already in use, the dystrophy and atrophy, the prenatal disease that speaks about the genetic disorders. And
muscular dystrophy. We have several cases which are recovering. And now they have attained, they started the treatment from the age of 8. Now he or she is 28. Still, not on the, they are not on the crutches, they are on the feet. The loss of the white matter and the gray matter at the time of birth, that is the causative factor of the atrophy. And after the death, any changes in the genes, what brings the changes after the birth? Now, there is a big question, as he pointed out, why the IQ is, why everything is intact when we see the MRI of the brain, then why this child is delayed milestone, or the not normal child, CP, cerebral palsy, means the paralysis, short form of the paralysis, and cerebral atrophy, the age related. But in case of the CP child, what is the age? And cerebral atrophy, that is beyond 70, 80, that may be. But now at the age of 30, 40, when these atrophies are there, and this is reversible. This I can say what we have seen. And we are trying to club into Trinity, that the from the permutation combination from the 0 to 9, we can talk about the not only 10-80, hundreds, thousands, billions, trillions, and replication to any, mutation to any. This is a procedure, coding, that 0 to 9, and all 0 to 9 have the 10 respectives. That is, we have 10 in both the hands, and the homunculus, that is, speaks about the entire system, why it works, why the structure of the neuron, it looks like the finger, and this nail bed is just like the set of the dendrites, and that's why we speak about the three things: correspondence, similarities, one thing, connectivity, and number thing, third is networking. You will appreciate it, why we feel hot and cold in the different weathers, seasons, climates. Because of this networking of the cosmic variations through the supercomputer head and spinal cord. And this connectivity. And how we are connected while sitting here, I know Dr. Kamath and his team, her team, and so many celebrities from South, similarly from East and West and North. None of these states is left to hear, and all they were very much anxious to listen, Dr. Ketan, who's a great analyst. And he is connecting the cultural science to this physical science. I can say that whatever the physical, the allopathy is the physical science. That speaks more about the all the physical or chemical activities, or but the metaphysics, that the power of understanding, which is not visible. And there are so many things which are in, these are the activities and actions
of the different lobes of the brain, that is a supercomputer, and the eyes, nose, and the taste bud, and even the skin. All these are the five sensory sense organs. And first three are the physical ones, and the taste bud, which is the fourth as per Ayurvedic concept. And fifth is the, that is the sense of smell. That's why the taste and the smell was degenerated and out of, and that was the symptom of the COVID infection. Am I wrong, sir? And that's why this is the, because the whole chemistry of the what we eat, what we drink, and the power of smelling. We can smell your good deeds, sir. This is metaphysical. But this is rotten. This is the smell of different fragrances. We can sense, we can taste the, we can see the biggest machine in the form of CT, MRI and all. What is that? Hanuman. That was the biggest, and that is planted in the different part of the brain. This is not sheer imagination. You can perceive. And when we see Pratyakshmane, see the stool, texture, color, and taste, and the smell. No need of getting any type of the test. Even urine. If frothy, if white, not amber color. It means that. And the foul smell. And what type of this? All these things. So, all the sensory perceptions are of the five types. Three of the physical, and fourth and fifth are the chemical. And their main function of the taste and the smell is the chemistry of the brain. Am I wrong, sir? So this is a very big, and we have the three. In each finger, the new kind of the origin for the treatment. 0, 1, and 2. That's enough. And when we start from the proximal, then this is the cuff joint is 0, and middle joint is the pitta, and what joint is distal is what. When we start from the top to bottom, from the distal to 0 is the vata, and pitta is 1 and 2 is the cuff. Meaning thereby, this pitta, which brings about the change from past to present, or from the genome, what they do, why this mutation, why this translation, why this transcription, this is a series of, it has to undergo the series of the changes. That is the, that changes the chemistry of the things. And that's why the smell and the taste, these were the two test meters. And if it is, even the patients are recovered, but it takes pretty long time to regain the taste. Sorry, a lot of time I have taken. Dr. Khaitan is about to rush to attend the serious injury case for the surgery. I'm very much thankful. I don't have the words to express the gratitude, and this connectivity from all the corners of the country, and you have spared the time, and you have taken up the job to prove it scientifically. Thank you. Lot of thanks. I express my gratitude and heartfelt. Thank you, sir.